तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल SPS गेमिंग जोन मेन ऑफ एक न्यूज़ नो फेक अपडेट्स ओनली 100% रियल कंटेंट। सो गाइस, गेम के अंदर आपको मालूम है ये बरमुंडा ड्रीम्स वाला इवेंट चला जिसके अंदर दोस्तों आपको जो यहाँ पे एक फीमेल का बंडल दिया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखते साइड में जो क्रेट बनी, इन क्रेट को आपको जो है ओपन करना था, और उन क्रेट को ओपन करने के लिए दोस्तों आपको ये जो ग्रीन वाले टोकन है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत थी आपको, ठीक है। ये जितने ज़्यादा टोकन हो गए उससे दोस्तों क्या होगा, आप इस घंटी को बजाएंगे, घंटी को बजाएंगे तो गाइस यहाँ पे खाना तैयार होता है, ठीक है। वो खाने से आपको जो है स्कोर वगैरह देखने को मिलता है, जिससे ये जो इमोजी है ऊपर वगैरह जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इमोजी का लेवल जो है बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, जितना लेवल यहाँ पे कहाँ जाता है बढ़ाने को, जैसे बढ़ा जाए तो आपको ये साइड वाली क्रेट है एक एक करके जो ओपन होती रहती है। तो अभी यह देखते हैं दोस्तों, मैंने जो सारी की सारी क्रेट जो ओपन कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट वाली क्रेट है वो दोस्तों आपको जो बार बार देखने को मिलेगी, ठीक है, बार बार देखने को मिलेगी। उसके अंदर आपको मतलब अनलिमिटेड टाइम देखने को मिलेगी, जितनी बार भी आप जो है ज़्यादा ज़्यादा टोकन इकट्ठे करेंगे और यहाँ पे घंटी वगैरह बजाते जाएंगे और खाना वगैरह बनता जाएगा, ठीक है, तो आपको ये क्रेट जो है अनलिमिटेड देखने को मिलेगी, जिसके अंदर दोस्तों आपको ये ग्रीन वाली क्रेट देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो ग्रीन वाली क्रेट है ना, काफ़ी ओपी क्रेट है, बहुत ही ज़्यादा ओपी क्रेट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्लेम किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर से बहुत ही अच्छी रिवार्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं, मैं वॉलेट सेक्शन में जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं दोस्तों वॉलेट सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे अदर्स में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं क्रेट वाले सेक्शन में गया तो देखते ही ग्रीन वाली क्रेट जो है मुझे वहाँ से देखने को मिली है, जिसके अंदर दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे नीचे स्क्रोल कर रहा हूँ तो गाइस यहाँ पर देखते 24 घंटे के लिए अनलिमिटेड आपको कस्टम रूम देखने को मिल रहा है, 3 इनकी वोटर वाउचर देखने को मिले, 3 वेपन वाउचर, 3 डायमंड वाउचर और 3 गोल्ड वाउचर। बाकी कुछ दोस्तों नुबड़ा टाइप का सामान भी दिया जा रहा है यहाँ पे, गोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते मतलब आपको इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे रिवार्ड दिए जा रहे हैं इस क्रेट के अंदर से, ग्रीन वाली से, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस ग्रीन वाली क्रेट को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करते हैं तो गाइस आपको जो इनकी वोटर वाउचर अनलिमिटेड देखने को मिल जाएगा, मतलब 3-3 करके एक क्रेट में से 3-3 मिलेंगे। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप ज़्यादा क्रेट इकट्ठे करेंगे तो आप सोचिए कितने सारे हमें वाउचर देखने को मिल जाएंगे, साथ में ये वेपन वाउचर और डायमंड वाउचर भी, और कस्टम मिलता है तो वो भी अच्छी बात है। 24 घंटे के लिए जितनी देर के लिए आपको कस्टम मिलता जाएगा उतना उतना यहाँ पे ऐड होता जाएगा, ठीक है। बट दोस्तों आपको ये ग्रीन क्रेडिट जो है अनलिमिटेड अगर निकालनी, ज़्यादा बार निकालनी है तो उसके लिए दोस्तों आपको जो ग्रीन वाले टोकन चाहिए, ये वाले। ये जितने ज़्यादा आप निकालेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे घंटी बजेंगे, खाना तैयार होगा, आपको स्कोर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते आपको हर बार फिर से अब क्या करना है, जैसे दोस्तों आप ये फीमेल का बंडल निकाल लेंगे, सारे 5 के 5 क्रेडिट क्लेम कर लेंगे, तो जो 6th क्रेडिट है उसके लिए हर बार आपको क्या करना है, 10-10 स्कोर आपको बनाने, ठीक है, 10-10 स्कोर आपको बनाने, और 10-10 स्कोर आपको बनाने उसके लिए दोस्तों आपको ग्रीन वाले टोकन चाहिए। अब ये ग्रीन वाले टोकन है वैसे तो आपको पता है कहाँ से मिले, बट दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो ग्रीन वाले टोकन है और भी आप ज़्यादा ज़्यादा कहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एक साथ ही अगर आप ज़्यादा टोकन ही कलेक्ट कर लेंगे तो उससे आपको ये फायदा होगा, आप इस इवेंट को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे जिनका नहीं हुआ, साथ में जिनका कंप्लीट हो गया तो ये वाली जो क्रेट है वो बार बार निकाल सकते हैं, और बार बार निकालेंगे तो उसके अंदर दोस्तों क्या होगा, आप अगर आप इकट्ठी क्रेट कर लेंगे ग्रीन वाले, और जैसे दोस्तों आप उन क्रेट को एक साथ ओपन करेंगे तो गाइस आपको जो वाउचर वगैरह भी अनलिमिटेड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों ये जो ग्रीन वाले टोकन है आपको कहाँ से कलेक्ट करने, ये मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कलेक्ट करने, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो है यहाँ पे इनक्यूबेटर वाउचर अगर आपके पास ज़्यादा ज़्यादा कलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये भी जानने की इच्छा हो रही कि यार नेक्स्ट इनक्यूबेटर कौन सा आएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये वाला इनक्यूबेटर चल रहा है यहाँ पे वेक्टर वाला, ठीक है। अब दोस्तों काफ़ी प्लेयर सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं वाउचर इकट्ठे कर लेता तो मुझे ये वेक्टर की जगह कुछ और चीज़ देखना है कि इनक्यूबेटर में क्या आने वाला है, तो मैं उसके लिए वाउचर बचाना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप टेंशन में, इस वीडियो में आपको जो है नेक्स्ट इनक्यूबेटर भी कौन सा आने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये वेक्टर के बाद कौन सा आने वाला है तो आपकी मर्जी है, अगर आपका मन करता आप ये वाला इनक्यूबेटर निकाल लेना, नहीं तो दोस्तों जो नेक्स्ट अगर आपको पसंद है तो वो वाला आप निकाल लेना, ठीक है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। और गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अब ये जो ग्रीन वाले टोकन है ये आपको ज्यादा ज्यादा कहां से कलेक्ट करने हैं, तो गाइस अगर आपको ये वाले टोकन कलेक्ट करने हैं, एक तो दोस्तों आपको पता है हम बैटल रॉयल में जाते हैं क्लासिक में, वहां से आपको एक पेड़ देखने को मिलता है बड़ा वाला, वहां से आपको टोकन देखने को मिलते हैं, साथ ही में मैप के अंदर पड़े हुए भी आपको टोकन देखने को मिल जाते हैं, बट ज्यादा टोकन हमें देखने को नहीं मिलते, फुल मैप के अंदर थोड़े से टोकन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और क्लैश स्क्वाड के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां से मैच खेल के अगर आप भागेंगे तो आपको 2 टोकन देखने को मिलेंगे, लोन वोल खेलेंगे तो भी आपको 2 टोकन देखने को मिलेंगे, और कुछ यहाँ पे आपको टास्क दिए जाते हैं, अगर हमें टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपको टोकन दिए जाते हैं। बट दोस्तों अब ज्यादा ज्यादा टोकन कहाँ से कलेक्ट करने, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना, आपको सीधी सी बात है यहाँ पे आपको ये वाला मोड खेलना है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ आपको जाना यहाँ पे बिग हेड मोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखते बिग हेड मोड अभी ओपन है, 6 तारीख तक ओपन है, 4 बजे तक, ठीक है, अभी भी टाइम है 1 दिन का, ठीक है। तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद दोस्तों आपको बिग हेड मोड में जाना है, ठीक है। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है
टोटल मतलब यहाँ पे स्क्वाड वाला गेम प्ले होगा, बट आपको स्क्वाड नहीं खेलना, तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर देना। उसके बाद दोस्तों तीन रैंडम प्लेयर आपके साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिगेट मोड में आपको खेलना तो है, बट उसके अंदर दोस्तों आपको किल विल कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। किल विल आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली घरों के अंदर जाना है, वहाँ पे मैप को एक्सप्लोर करना है। उसके अंदर दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा टोकन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे ये बिग हैंड मोड का मैप है ना, उसके अंदर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा टोकन देखने को मिलेंगे। कम से कम दोस्तों अगर आप मैच खेल के बाहर आएंगे तो आराम से दोस्तों आप 10, 15 और 20 तक टोकन आप कलेक्ट कर सकते हैं एक ही मैच के अंदर, ठीक है। एक ही मैच के अंदर आपको 20 ग्रीन वाले टोकन आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, फुल मैप के अंदर एक छोटे से एरिया को मैप किया जाता है, उसके अंदर दोस्तों आपको बिग हैंड मोड वाला मोड खेलना होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक ये फायदा है, बिग हैंड मोड के अंदर अगर आपको कोई बंदा किल कर देता है तो आपकी गेम बैक नहीं करनी पड़ेगी, आपको जो है दोबारा रिवाइव हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा रिवाइव होते रहेंगे, ठीक है। तो कम से कम 8 से 10 मिनट का वो मैच है बिग हैंड मोड, आपको जो है वहाँ पे बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस रिवाइव होना है बार बार और घरों के अंदर एक्सप्लोर करना है, मतलब घरों को देखना है। उसके अंदर आपको ग्रीन वाले टोकन ज्यादा देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने जोन दिया था ना जिसके अंदर आपको खेलना है, अगर आप उस जोन से बाहर जो घर दिए होते हैं उनके अंदर भी अगर आप चले जाएंगे तो वहां पे भी आपको टोकन देखने को मिल जाएंगे। बस हाँ इतना होगा कि आपकी एचपी माइनस होती रहेगी, बट दोस्तों आपको टोकन वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब कि दोस्तों सिर्फ बिग हेड मोड के अंदर आपको जो 15 से 20 तक टोकन देखने को मिल जाएगा। अगर मान के चलिए दोस्तों आप एक बार बिग हेड मोड खेलते हो उसके अंदर आपको 10 टोकन मिल जाते हैं एक बार में, तो अगर मान लीजिए 5-6 मैच लगा लेते हैं तो आपको 50-60 टोकन तो ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे ग्रीन वाले। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे घंटी बजानी है। उसके बाद घंटी बजाएंगे, खाना वगैरह तैयार होगा, आपको स्कोर मिलते जाएंगे। जैसे स्कोर मिलते जाएंगे यहाँ पे 10-10 करके इमोजी ऊपर जाता रहेगा, इमोजी ऊपर जाएगा तो गाइस आपको एक ग्रीन वाली क्रेट जो बार बार देखने को मिलेगी। और आप इन क्रेट को जब ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे ना तो गाइस क्या होगा कि आपको जो है उसके अंदर से अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको वाउचर वगैरह देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों आपको करना है, सिर्फ बिग हैंड मोड ही खेलना है आज दोस्तों, एक दिन पड़ा हुआ 6 तारीख तक अवेलेबल है दोस्तों बिग हैंड मोड। आप आज पूरा दिन भी अगर आप खेलेंगे ना अच्छे से बिग हैंड मोड तो गाइस आप बहुत सारे टोकन कलेक्ट कर लेंगे ग्रीन वाले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जिनका ही मिशन नहीं कंप्लीट है तो वो आसानी से इसे कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है, तू समझा। हाँ। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट इनक्यूबेटर आने वाला है वो कौन सा होने वाला है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वेक्टर वाला इनक्यूबेटर चल रहा है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर आने वाला है वो दोस्तों वुड पैकर गन स्किन का होने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं दोस्तों ये है वो वुड पैकर इनक्यूबेटर, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं ये जो इनक्यूबेटर इसकी सबसे टॉप वाली गन है जो गोल्डन वाली वुड पैकर की, देख सकते क्या ही ओपी एनिमेशन इसके अंदर डाला गया, तो दिखने में ये गन स्किन भी काफी ओपी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दो और गन स्किन दी गई, मतलब कि दोस्तों इस बार जो 3 गन स्किन दी गई है इनक्यूबेटर के अंदर, देख सकते पिंक वाली और एक ग्रे वाली, ठीक है। तो ये पिंक वाली जो गन स्किन है ये भी दिखने में काफी ओपी, ठीक है। इसका भी एनिमेशन वगैरह काफी अच्छा, ठीक है। बाकी दोस्तों इन गन स्किन के आप एट्रीब्यूट भी देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे शो किए गए, जो भी आपको पसंद आता आप उसे ले सकते, ठीक है। साथ में उसके यहाँ पे ग्रे कलर की भी गन स्किन है थर्ड वाली, ठीक है। तो देख सकते ये भी दिखने में काफी ओपी, ठीक है। बाकी इनके एट्रीब्यूट वगैरह आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे शो किए गए, ठीक है। तो ये वाला जो इनक्यूबेटर है आपको जो है नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा, जैसे वेक्टर का इनक्यूबेटर जो अभी चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप देख लीजिए, अगर आपको वेक्टर की गन स्किन पसंद है, अगर आप उसे यूज करते तो आप वेक्टर को निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वुड पैकर की गन स्किन पसंद है और ये वाली गन अगर आपको पसंद है ये इनक्यूबेटर वाली, तो आपकी मर्जी, आप वाउचर बचा कर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों अगर आपको वेक्टर वाले इनक्यूबेटर पसंद है तो आप उस गन स्किन को निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों वाउचर वगैरह कैसे मिलेंगे अनलिमिटेड वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको जो भी इनक्यूबेटर पसंद आता है उस हिसाब से आप अपने वाउचर को बचा कर रख सकते हैं। अगर आपको वेक्टर वाला इनक्यूबेटर निकालना है तो आप अपने वाउचर को यूज कर लेना, नहीं तो दोस्तों अगर आप वुड पैकर की गन स्किन निकालना चाहते हैं तो आप अपने वाउचर्स को बचा कर रख लेना, तो नेक्स्ट टाइम जो वुड पैकर का इनक्यूबेटर है आप उसे निकाल लेना, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद है और पता चल गया कि हम जो है वो ग्रीन वाले जो टोकन है ये हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कलेक्ट करें। साथ ही मैं दोस्तों इन टोकन को कलेक्ट करने के बाद हमें जो ये क्रेट अनलिमिटेड कैसे मिलेगी तो ये भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और इन क्रेट में से क्या मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। साथ में इनक्यूबेटर कौन सा आने वाला है नेक्स्ट वो भी मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।